नमस्कार किसान भाई, आईटीसी मार्च में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे टमाटर में होने वाले अगेती झुलसा रोग के बारे में। जी हाँ, लक्षण टमाटर फसल रोग में यह रोग अल्टरनेरिया सोलाई नामक कवक से होता है। प्रभावित पौधों की पत्तियों पर छोटे काले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं जो बड़े होकर गोल छल्ले नुमा धब्बों में परिवर्तित हो जाते हैं। फल पर धब्बे शुष्क धसे हुए और गहरे होते हैं। इन धब्बों के बढ़ने के साथ ही पत्तियां गिर जाती है। यह रोग पौधों के सभी भागों में फैल सकता है। आइए जानते हैं रोकथाम के बारे में। इस रोग से रोगग्रस्त पौधों को जलाकर नष्ट करते हैं ताकि वह दूसरे पौधों में न फैल पाए। टमाटर के बीजों को बोने से पहले कैप्टान 75 WP 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। वहीं फसल में रोग के लक्षण दिखाई दे तो मेकोजेव 75 WP का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इसके अलावा फसल चक्र अपनाकर भी इस रोग से काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए ITC मार्स ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद।